बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को प्रशासन ने बहराइच जाने की इजाजत नहीं दी है। माता प्रसाद पांडे हिंसा प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए दौरा करने वाले थे बहराइच का। ये दौरा हिंसा की घटनाओं के बाद उनके साथ संवेदना प्रकट करने और हालात का जायजा लेने के लिए था, लेकिन प्रशासन के इस फैसले को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जताई है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर के माता प्रसाद पांडे को बहराइच दौरे की अनुमति नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष हैं यूपी विधानसभा के माता प्रसाद पांडे, उन्हें अनुमति नहीं मिली है बहराइच जाने की। बहराइच जहां पर 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद जो हंगामा हुआ था, वहां पर रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की हत्या हुई थी, इसके बाद काफी हिंसा भड़की और समाजवादी पार्टी की ओर से माता प्रसाद पांडे वहां दौरा करना चाहते थे। जी न्यूज़।